हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेलकम। तो आज हम दिखाने वाले हैं ईटानगर टू सेफा का जर्नी। तो आज अभी हम लोग निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मिलते हैं कहीं और पे। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिश है अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, खाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, तुम तो दरअसल ख्वाब की बात हो, चलती मेरे ख्यालों में तुम साथ साथ हो, मिलती है जो अचानक मसागत हो। तुम तो दरअसल मीठी सी प्यास हो, लगता है ये हमेशा के तुम आस पास हो, ठहरा है जो लबों पे वो एहसास हो। तेरे जाने का गम और नहाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादी, मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना।
तुम तो दरअसल ख्वाब की बात हो, चलती मेरे घर वापस जाने का मन कर रहा है यार, अभी तुम क्या करेगा तो मीठी सी प्यास हो, लगता है ये हमेशा के तुम आस पास हो, ठहरा है जो लबों पे वो एहसास हो, तेरी अदा अदा पे मरता मैं वफा वफा सिकरता, क्यों हदों से हूँ गुजरता मैं जरा जरा जरा, तुम तो दरअसल सांसों का सास हो, दिल में मेरे छुपा जो वही राज राज हो, कल भी मैं हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार खाली। हम अभी पक्के के संग व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो फिलहाल तो अभी आप लोगों को भी व्यू दिखाएगा हम लोग यहाँ से, मतलब व्यू कैसे लगता है तो आप लोगों व्यू का मजा लीजिए एकदम। बोले तो विदास this world is made for me behind the clouds. आज कितना ठंडा है बता दीजिए मेरे दर्शकों को। अरे हम लोग यहाँ पे काफी मस्ती कर रहे हैं, अभी निकलेंगे फिर सेपा की साइट, तो मिलते हैं वहीं पे। ये काफी फोटो भी क्लिक कर लिए, मस्ती भी कर लिए, तो फिर मिलते हैं। काफी ठंडा है, मजे आ गए, मजे आ गए, मौत
ये धूप निकलने का फायदा नहीं है, हमारी बहुत धंधा है, क्या कर सकते हैं। कुछ कुछ तो प्रजाम हो गया धंधा से, हिल भी नहीं रहा होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल तो हम निकल रहे हैं। फाइनली यहाँ पे रिलो पहुँच गया। यहाँ से सेपा जाने का 1 घंटा का रास्ता है, तो हम लोग यहाँ पे होटल पे कुछ खाए गल के रुके, तो अच्छा फिर बहुत ठंडा लग रहा है, भूख तो नहीं लग रहा वैसे, तो मतलब चाय पीने के लिए रुके। तो ये है रिलो, इसको रिलो बोलते हैं, तो मतलब सेपा के इंसान लोग तो पता ही होता होगा, बाकी बताना भी ज़रूरत नहीं। तो काके तो हो गया, होने के बाद यहाँ पे बाहर भी कुछ ज्यादा ठंड है, इसलिए तो ड्राइव करने से भी ऐसा लग रहा है, तो रात तक पड़ेगा। सर जी, आपका ईटानगर से यहाँ तक का सफर कैसे रहा, ठंडा ठंडा? अच्छा, कुछ मत बोलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? वाह, ये मैडम, ये हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो फिलहाल इसके नाक लाल समझ जाएगा, कुछ बोल भी दीजिए। ठंडा है, हम तो सोचा था लड़की लोग होते होते, लड़की लोग को कभी ठंडा नहीं लगता है। हल्के क्या करोगे? गिरने लाता नतुंग बस्ती पहुंच चुकी है, ये तो नतुंग बस्ती है, नदी है, अभी हम लोग सेपा पहुंचने वाला है, जो कि अभी आप यहाँ का व्यू का मजा ले सकते हैं अभी तोरा से। तो देखो ऐसे व्यू का पॉइंट देखने मिलते हैं, तो ये नतुंग बस्ती की नदी है। तो फिलहाल तो मेरा दोस्त पीछे रह गया, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे रुक गया, तो उसको वेट कर रहे हैं आने तक, छोटा मोटा ब्लॉग बना ला रहे, आपको दिखा लेंगे नदी का। छोटा में हम यहाँ पे मुसरी टांटे थे, एक दोस्त का घर आया था, तो हम यहाँ मुसरी टांग के मछली खाता था। देखो नदी इतना मछली, वही देखो मछली, वही बड़ा वाला भी है, तो मत गिरा वहाँ। ये सीनियरे जो मजा है, ये देखो अभी पीछे आ रहे हैं, बहुत लेट हो गया था ये लोग, फिलहाल तो अभी आ रहे हैं। यार इतना लेट कर रहे हैं, क्या कर रहा था पता नहीं, कहीं गया था होगा शायद, ठंडा लग रहा था होगा। बहुत बार देखा है फोटो लुक में, तो कभी आया तो नहीं है, तो अभी हम
दिखाएगा कौन सा जगह को बोल रहे हैं। तो हम लोग ऐसे पकड़ जाता था बाद में फोटोशॉप फोटोशॉप लाइव भी करते हैं फोटोशॉप वगैरह। तो अभी मैं तो काफ़ी घूमते रहते हैं यहाँ का, तो मतलब इस चीज़ से हमें लिखा है अभी शेपा, अभी हम दिखाएगा ना यो ये है इसको यहाँ का व्यू पॉइंट। तो अभी हम लोग सेपा का काफ़ी नज़दीक पे है, तो हम लोग अभी ये आला भी सेपा लिखा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ फोटोशॉप करने वाले, चल नहीं जाने से पहले सोचे यहाँ पे भी फोटो क्लिक करने में कोई बुरा बात नहीं है। तो ये सेपा है, तो मिलेंगे फिर से सेपा पे।